स्कूप में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर में डॉक्टर रजिया पारेख इनके साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। तो चलिए, हेल्थ केयर में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड अलग अलग ट्राइमेस्टर में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विद इन 3 मंथ्स में, और 3 मंथ्स के बाद में 5-6 मंथ में, और 9-6 मंथ के बाद में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि शुरू शुरू में यानी मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है, नौशिया वोमिटिंग ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए भी डॉक्टर्स की सलाह से वो कम हुआ जा सकता है। दूसरी सेकेंड थिंग, अगर ब्लीडिंग पीवी, जैसे प्लेसेंटल साइड से ब्लीडिंग पीवी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होते हुए कुछ और अदर पार्ट में भी हो सकती है, जो सोनोग्राफी से रूल आउट करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत बार यानी लोगों को PIH यानी BPVP की शिकायत आ सकती है। मैं तो यानी चेंजेस कैसा है बेबी का, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है वो ज़्यादा डेंजर होता है, उसमें हमको ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक कैसा है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, कि बच्चा पायल से है या क्या है, और उसके अलावा उनका ग्रोथ रोथ का भी सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। जो मिड ट्राइमेस्टर से ही अपने को मालूम पड़ जाता है, वो वहाँ पर टैकल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से सीजर और नॉर्मल डिलीवरी का हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, इस सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस सारी चीज़ों के से बचने के लिए तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, यानी इनको लगता है कि उनकी पेट मिस है, तो उन्होंने प्रेगनेंसी चेकअप करवा कर डॉक्टर्स से यानी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो 8 मंथ तक की मंथली चेकअप, और 8 मंथ के बाद में 9 मंथ तक के 15 डेज का चेकअप, और 9 मंथ के बाद में वीकली चेकअप। और अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी है या PIH है या कोई भी ऐसे सिम्टम्स है जो कि हाई रिस्क की तरफ अपने को डाइवर्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ता है। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, प्रेगनेंट लेडीज अपने डाइट पे कैसे ध्यान देना चाहिए? प्रेगनेंसी में सिर्फ डाइट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उनके हाइजीन का, उनके रेगुलर स्लीप का। जैसे कि 8 आवर्स का एटलीस्ट उन्होंने नाइट में, और 2 आवर्स डे में उन्होंने स्लीप लेना ही चाहिए। और उसके अलावा डाइट तो उनकी डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए उनको, यानी थोड़ा ज़्यादा डाइट की ज़रूरत, ज़्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन बिल्डअप करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, फैट, विटामिन, मिनरल्स, मिल्क और फ्रूट, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उनको अपने हर चीज़ का ध्यान, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सब्ज़ी खा ली और रोटी खा ली तो नहीं होगा, उनको सब्ज़ी, रोटी, भाजी, पूरी, सब पूरा बैलेंस डाइट, इसके अलावा मिल्क और फ्रूट, वो सब उन्होंने डाइट में रखना ही चाहिए डेली। तो जिसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट, उनको बैलेंस डाइट में मिलेगा और उनका ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा बच्चे का। और इसके अलावा आयरन, कैल्शियम और विटामिन, प्रोटीन जो डॉक्टर्स यानी लिखते हैं, तो वो सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, वो उनको रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा की, तो इसके लिए उनको लेना चाहिए। जब उन लोगों ने आफ्टर मैरिज जब वो लोग प्लान करे कि अब उनको, यानी अगर उनको स्टार्टिंग से यही प्लान है कि उनको उनको प्रेगनेंसी चाहिए यानी बच्चा जल्दी चाहिए, तो एटलीस्ट वो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को एटलीस्ट 1 ईयर्स टाइम देना चाहिए। 1 ईयर तक के अगर विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उन्होंने इलाज शुरू करना चाहिए। ये उसके बाद ही हम 1 ईयर तक के अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती तभी हम उनको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और इनफर्टिलिटी यानी किसी भी रीज़न से हो सकती है, इडियोपैथिक विदाउट एनी रीज़न भी नहीं रह सकती है, और कुछ रीज़न की वजह से रहती है जो कि इलाज करने पे ठीक हो सकती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जा सकता है थोड़ी सी चेंजेस की तरह। मुझे बताइए, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उसका इलाज क्या करना चाहिए? उसके लिए पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और पहले तो ये पता करना है कि उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती है। थोड़े से कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ सकता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि विदाउट एनी रीज़न यानी सब कुछ नॉर्मल रहता है, उसी को इडियोपैथिक होते हैं, तो वो थोड़ा सा काउंसलिंग और थोड़ा सा फर्टाइल प्रेयर में कंसेप्शन करने से हो जाता है। तो
फर्टाइल पीरियड में लोग यूजुअली एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, कंसेप्शन भी करते हैं, बट फर्टाइल पीरियड छूट जाता है, तो थोड़ा सा काउंसलिंग करने पर उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मेंसेस के 14 डेज बिफोर जो जब ओवम रप्चर होता है तब वो स्पर्म की ज़रूरत होती है, अगर वो टाइमिंग में उनका कंसेप्शन हो तो प्रेगनेंसी रहने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, तो उसके बाद में उनको प्रेगनेंसी रह सकती है, यानी अगर उनके बाद कर सकते हैं। कुछ तो भी अगर हमने जैसे ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो बहुत सारे अदर मेथड्स भी है, जैसे IUI सीमेन को इंजेक्ट करने का, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी है यहाँ पर, तो वो भी सेंटर्स बहुत सारे हैं जहाँ पर ऐसा इलाज हो सकता है। यानी अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हो, यानी रिलेटेड इससे यूट्रस यानी स्पर्म का कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो हम इन्फिल्ट्रेट करके IUI करके IVF करके फर्टाइल ओवम भी यूट्रस में डाल के भी हम प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ये कर सकते हैं। नागपुर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, नागपुर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत सारी जगह पर है, ऐसे एक दो ही सेंटर्स नहीं है, बहुत सारी जगह पर ये बना, कहीं पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं तो उनके पास में कहीं ना कहीं। प्लीज़ आप मुझे बताइए, गर्ल्स को पीरियड्स कब आने चाहिए, क्या उम्र होती है उसकी? यूजुअली पीरियड्स हमें 11 से 15 साल में आ ही जाते हैं, और अगर 13 साल तक के पीरियड्स नहीं आए तो उनके पेरेंट्स ने उन्होंने तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और 14 साल में उसका ट्रीटमेंट हार्मोन्स या फिर कुछ लेना चाहिए, यानी उन्होंने फिर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताइए पीरियड्स टाइम में गर्ल्स ने किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? एज सच पीरियड्स टाइम में तो अपने हाइजीन का बहुत ध्यान देना चाहिए और सैनिटरी नैपकिन लेना चाहिए, और पीरियड्स शुरू में इरेगुलर होते हैं तो अनओवरेक्टिव साइकिल की वजह से, तो किसी को 15 डेज में और किसी को 3 मंथ्स में आते हैं, तो ये सब चीज़ों का यानी अनओवरेक्टिव साइकिल होती है, एक साल के बाद में वो सेटल हो जाते हैं। उसके अलावा बीच में अगर मेंसेस उनको ज़्यादा जा रहे हैं या बहुत कम जा रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे टाइमिंग में पीरियड्स में क्या होता है यूजुअली कि ये लोग डाइट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, इनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे, यानी ये एक एज से दूसरे एज में जाते हैं तो इनके इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं फिजिकल मेंटल, और इनका जो ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट स्पर्ट बहुत फास्ट बढ़ता है, तो उसकी वजह से इनको डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चेंजेस है साइकोलॉजिकल चेंजेस और तो वॉइस चेंजेस और ये सब चीज़ें, तो इनको एजुकेशन उस टाइम में एजुकेशन की भी ज़रूरत है, यानी उस चीज़ से अवेयरनेस करवाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बताइए बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, इसका रीज़न क्या हो सकता है? यही कि शुरू में अनओवरेक्टिव साइकिल होती है तो वो उस टाइम में एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी किसी को बहुत ज़्यादा मेंसेस भी जा सकता है, किसी को बहुत कम जा सकता है। एनीमिया बहुत बार एनीमिया की वजह से इनको मेंसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, एक तो ज़्यादा ब्लीडिंग तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है, थोड़ा सा एक्सेसिव ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल शेडिंग की वजह से होती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन यही ब्लीडिंग जो इरेगुलर और ज़्यादा होने की वजह से इनको जल्दी एनीमिया डेवलप हो जाता है, तो इन्होंने आयरन कैल्शियम भी लेना चाहिए और साथ में बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। और अगर एक आधे साल तक के ये सेटअप यानी इरेगुलर ही चल रहा है मेंसेस, तो इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं, और ये हार्मोन्स की वजह से होता है थोड़ा सा कम और ज़्यादा, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो बॉडी में ये करते हैं उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। आज के हेल्थ केयर में इतना ही, फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए 1 to 1 स्कूल। We'll be right back.